ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज लेंगे एक अनुभव को जो कि एक मैरिड वुमेन का है, तो जानते हैं इनके किस प्रकार के दर्शन और बीमारी से रिलेटेड समस्या है। इनका शीर्षक है देवी माँ के दर्शन और मेरी बीमारी की समस्या। पढ़ते हैं इनके पत्र को। प्रणाम गुरुजी, मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम है, मैं मैरिड हूँ और मैं मेरी 2 साल की बेटी भी है। गुरुजी, मुझे आपका धर्म रहस्य चैनल बहुत पसंद है और मैं इसे पिछले 3 साल से देख रही हूँ। गुरुजी, मैंने आपकी ज़्यादातर वीडियो देख चुकी हूँ, मुझे लोगों के अनुभव बहुत अच्छे लगते हैं। गुरुजी, मुझे बचपन से ही आध्यात्म और पूजा पाठ से बहुत लगाव है। गुरुजी, मैंने बचपन से ही माँ दुर्गा को अपना सब कुछ माना है, जैसे गुरु, माता पिता, सब कुछ। अपने दिल की हर बात मैंने उनसे कही है, चाहे सुख की हो या फिर दुख की। गुरुजी, मैंने माँ की आराधना पूजा बचपन से ही की है, बचपन से ही सोमवार के व्रत किए हैं। गुरुजी, मेरा बचपन बहुत ही बुरा बीता है, ना तो माता पिता का स्नेह मिला और ना ही साथ वजह थी मेरा लड़की होना। गुरुजी, हम 4 बहनें थी और उन सब में मैं सबसे छोटी हूँ और मेरा एक भाई भी है जो मुझसे 10 साल छोटा है। गुरुजी, जब मेरा जन्म हुआ तब माता पिता चाहते थे कि बेटा हो, पर मेरा जन्म हुआ और तब माता पिता ने मुझे बचपन से ही ऐसा लगा जैसे त्याग दिया था। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी, पर वो नहीं चाहते थे कि मैं जिंदा रहूँ। गुरुजी, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, 5वीं क्लास से मेरी पढ़ाई छुड़वा दी गई थी क्योंकि घर के काम होते थे और छोटे भाई का भी देखभाल करती थी। गुरुजी, माँ दुर्गा के साथ मेरे अनुभव कई सारे हैं और उनसे मेरा लगाव भी ऐसा है जैसे माँ बेटी का। गुरुजी, जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती थी या परेशान होती थी तो माँ से कहती और उन्हीं के आगे रोती, उनसे अपना हर दुख कहती। गुरुजी, माँ ने मुझे स्वप्न के माध्यम से कई बार समझाया और सांत्वना भी दी और मुझे दुलार भी किया। गुरुजी, ऐसे तो मेरे बहुत सारे अनुभव है, फिर भी मैं आपको कभी बताऊंगी, पर एक विशेष अनुभव मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। गुरुजी, मैं ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करती, मैं अपने दिल से नहीं कह पाती। ये पहली बार है जो मैं अपने मन की बात किसी से कह रही हूँ। गुरुजी, बात 2001-2002 के आसपास की है। मेरी फैमिली यानी कि मेरे मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई, मेरी बड़ी 3 बहनों की शादी हो चुकी थी और उनकी शादी को काफ़ी वक्त भी हो चुका था। गुरुजी, हम सब किराए के मकान में रहते थे। गुरुजी, हमारा अपना मकान नहीं था इसलिए हम किराए के मकान में रहते थे। गुरुजी, 100 गज का पूरा मकान था जिसमें सिर्फ 2 कमरे और सामने की ओर बने थे जिसमें 1 खाली था और 1 में ही हम रहते थे। आगे बहुत बड़ा आंगन था और आगे बड़ा सा लोहे का मेन गेट। गुरुजी, जैसा कि मैंने बताया, माँ के सोमवार के व्रत रखती थी तो उस दिन भी मेरा व्रत था और गर्मियों का टाइम। गुरुजी, उस वक्त मैं दोनों समय यानी सुबह शाम नहाकर ही पूजा करती थी। उस समय मेरी उम्र 14-15 साल थी। मैं शाम को नहाकर पूजा करने गई, घर में कोई नहीं था, सब छत पर थे। मैं माँ की आराधना कर दुर्गा चालीसा का पाठ कर रही थी, आधा पाठ कर ही रही थी, आधा बचा था। गुरुजी, मैंने देखा हमारे मंदिर में माँ की पीतल की मूर्ति थी जो 5 से 6 इंच की होगी। मेरी मम्मी उन्हें ज्वाला जी से लाई थी दर्शन के लिए। गुरुजी, उस मूर्ति के मस्तक के दोनों भावों के बीच में से एक लाइट जैसी चमक कर निकल रही थी, जैसे वहां पर किसी ने एक लेजर लाइट जला दी हो। गुरुजी, माँ की मूर्ति के मस्तक पर जहां तिलक लगाते हैं दोनों भावों के बीच ऐसी चमक देखकर मुझे लगा कि शायद सामने बल्ब जल रहा है, उसकी रोशनी होगी, और मैंने मंदिर के आगे अंधेरा कर दिया अपनी परछाई का, पर तो चमक जैसी की तैसी रही, न कम न ज्यादा। मैंने बल्ब बुझा कर देखा तो वो रोशनी जस की तस थी। गुरुजी, जैसे ही मैंने चालीसा कंप्लीट किया वो रोशनी अपने आप बुझ गई। गुरुजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर मैं फिर भी उनके आगे हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर
अज्ञानतावश हुई अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती। गुरुजी ये सब मैंने किसी को नहीं बताया और दूसरे दिन मंगलवार था। गुरुजी मैं अपना व्रत मंगलवार की सुबह ही खोलती थी। मैंने सारा काम कर नहाकर माँ की पूजा की और खाना बनाना जारी रखती। गुरुजी मैं सुबह नहाकर पूजा करके खाना बनाती थी तो घर के खाने के लिए कुछ नहीं था। अचानक ही दरवाजे पर एक औरत आकर खड़ी हुई जो दिखने में पुराने जमाने जैसी लग रही थी, लेकिन वो 25-26 साल की थी और उसके साथ एक 3-4 साल का बच्चा भी था। गुरुजी उसके सात रंगों वाला घाघरा और चोली पहना था और सात रंगों वाली चुन्नी कपड़े जैसे ही थे जैसे पुराने टाइम के गांव में चला करते थे। गुरुजी उसने सात रंगों वाला नाक का लौंग भी पहना था जिसमें एक रंग धूप में चमक रहा था और वैसे ही चूड़ियां गले में भी पहन रखी थी। गुरुजी बस उसकी बिंदी लाल रंग की थी। गुरुजी मुझे उसका श्रृंगार वस्त्र सब याद है पर उसका चेहरा मुझे याद नहीं। ऐसा लगता है जैसे मैंने उसका चेहरा देखा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसका श्रृंगार देखा था। गुरुजी वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही वह बोली, मुझे खाने को कुछ मिलेगा बेटी, मुझे रोटी दे दे क्योंकि मुझे भूख लगी है, कुछ खिला दे क्योंकि मैंने कई दिनों से शायद कुछ नहीं खाया है। मैंने कहा खाना नहीं अभी। मैंने उससे ये नहीं कहा कि रुक जाओ मैं खाना बना रही हूँ, बाकी मैंने कहा खाना नहीं है। मेरा ये कहना था कि वो औरत वहाँ से चली गई। जैसे ही वो गई मुझे जैसे लगा जैसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे उस औरत को खाना खिलाना चाहिए था और गुरुजी मैं रोकने के लिए भागी। मैंने उसे सब जगह देखा पर वो कहीं नहीं मिली। मैंने अपने घर की आसपास की गलियों में देखा पर वो नहीं दिखी। गलियों में भी छोटी नहीं काफ़ी बड़ी बड़ी थी और वो औरत तो जैसे गायब ही हो गई। गुरुजी वो औरत कहाँ गई, कहाँ आई से आई थी कुछ पता नहीं। उसके बाद गुरुजी औरत कई दिनों तक मेरे दिखाई ही नहीं पड़ी और अगले साल मेरे पिता की हत्या हो गई। कब और कैसे हुई मैं आपको बताती हूँ। तो यह मेरा अनुभव का पहला भाग है, आप इसे प्रकाशित जरूर कीजिए। लिखने में अगर मुझसे गलती हो रही है तो गुरुजी क्षमा कीजिए और यह मेरा अनुभव सिर्फ धर्म रहस्य चैनल पर ही प्रकाशित होगा सूरज प्रताप जी के द्वारा और किसी अन्य चैनल पर प्रकाशित नहीं होगा। गुरुजी जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया है कि वह औरत न जाने कहाँ गायब हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। गुरुजी घटना के बाद मेरे जीवन में जैसे भूचाल ही आ गया। एक साल बाद मेरी शादी तय हो गई। गुरुजी शादी नहीं पूरे परिवार की बर्बादी का कारण थी। गुरुजी शादी मेरे बड़े बहन बहनोई ने करवाई थी, मेरे से तीसरे नंबर की उन्होंने, लेकिन यह शादी सिर्फ 3 महीने ही चली। इन 3 महीनों में न जाने कितनी घटनाएं घटी। शादी के एक हफ्ते बाद लड़के के पिता खत्म हो गए। 3 महीने बाद मेरे पिता की मृत्यु यानी हत्या हो गई और इसी के साथ मेरी शादी का एंड हो गया। गुरुजी मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ क्योंकि अगर पूरी कहानी बताई तो यह पत्र काफ़ी लंबा हो जाएगा। गुरुजी जिससे मेरी शादी हुई थी उस लड़के पर पहले से ही हत्या का केस चल रहा था और वह हर चीज का नशा करता था जैसे शराब गांजा और पता नहीं क्या क्या। वह लोग अपने गांव से भागकर नोएडा के कुलुए सराय में रहने लाए थे। उन लोगों को वहां रहते हुए बस 1 साल ही हुआ था। वहां मेरी बहन की ननद रहती थी तो उसने मेरा रिश्ता उन लोगों से करवाया था, वह भी पैसे लेकर, जो कि हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे सारी बात खुल गई। मेरे ससुराल वालों ने मुझे दहेज के चलते जलाकर मारने की कोशिश की, जहां से माँ ने मेरी रक्षा की। शायद माँ ने मेरी रक्षा नहीं की होती तो आज मैं जिंदा ही नहीं होती। शादी के 2-3 दिन बाद ही वो लड़का मुझे मारने और पीटने लगा और मुझे धमकी देता था कि अगर मैं किसी को कुछ बताती हूँ यहाँ से गई तो तुम पहले पूरे परिवार को वो खत्म कर देगा। गुरुजी हद तो तब हो गई जब उसने जिस कमरे में मैं रहती थी उस घर में मुझे बंद करके आग लगा दी। मैं डर के कारण बहुत ज़्यादा रोने लगी। गुरुजी समय
मैं बस 15 साल की ही थी। इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं थी मुझ में कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं और कैसे बचे। बस मुझे आता था तो माँ से प्रार्थना करना और कुछ नहीं। पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि जिस कमरे में मैं बंद थी उस कमरे का लोहे का गेट अपने आप टूटकर गिर गया और माँ ने मेरी मदद की वहां से भाग निकलने में। लेकिन उसके बाद मुझे भी आने नहीं दिया गया अपने परिवार में। गुरुजी यह सब मेरी बहन की ननद को पता था लेकिन फिर भी उसने किसी को नहीं बताया क्योंकि इससे बदनामी उसी की थी, क्योंकि अच्छी खासी रकम मिली थी उसे शादी करवाने की। गुरुजी उस आग से तो जैसे तैसे बच गई क्योंकि जिस कमरे में बंद थी उस कमरे का लोहे का गेट अपने आप टूटकर गिर गया था जिसकी वजह से मैं बाहर निकल पाई। गुरुजी उसके 2 से 3 दिन तक तो सब लोग ठीक रहे क्योंकि गली में हंगामा हो गया था और गली वालों ने उन सब को पुलिस कंप्लेंट करने की धमकी दी और कहा कि जब से तुम लोग आए हैं तब से कुछ ना कुछ हो ही रहा है, इस बार अगर कुछ हुआ तो हम सब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो वह सब लोग थोड़ा सा डर गए थे इसलिए 2-3 दिन शांत रहे। लेकिन 3 दिन बाद अगर गुरुजी मैं उस रात नहीं निकलती तो शायद लोग मुझे मार ही डालते। गुरुजी हम लोगों ने यानी कि उन लोगों ने मुझे करंट लगाकर मार देने का प्लान बनाया था और गली वालों को यह बताया कि नींद में तार पकड़ लिया था इसलिए करंट लग गया और मैं मर गई। गुरुजी यह सब मैंने सुन लिया था। उन लोगों को लगा कि मैं सो रही हूँ और वह लोग बाहर बात कर रहे थे लेकिन मैं जग रही थी और मैंने सब कुछ सुन लिया था। मैंने माँ से प्रार्थना की, हे माता रानी या तुम मुझे इन शैतानों से बचा लो या फिर मुझे इनके हाथों मरवा दो, सब कुछ आपके हाथ में है। गुरुजी इन 2-3 महीनों में मेरी हालत पागलों जैसी हो गई थी। मुझे किसी चीज़ का कोई होश नहीं रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ हूँ। गुरुजी उस समय मुझे ना जाने कैसे मैं उन लोगों को यह सब बातें समझा पाई। गुरुजी वह लोग तो उस रात को सो ही नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वह ठान कर बैठे हैं कि आज मुझे मार कर ही दम लेंगे। और मैं बस उस समय माँ से प्रार्थना कर रही थी क्योंकि मेरे हाथ में समय कुछ नहीं था, ना मैं किसी से कुछ कह सकती थी ना किसी को बुला सकती थी अपनी मदद के लिए। और वह लोग बाहर बैठकर आराम से खा पी कर खुशी मना रहे थे। गुरुजी यह सब होते होते रात के 1 बज गया था। वो लोग बस गली वालों के सोने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि गर्मियों का टाइम था और गर्मियों में इतनी जल्दी कोई नहीं सोता। जैसे सब सोए वैसे ही काम करें। घंटे बाद ही उन सब लोगों को इतनी गहरी नींद आई और उन्हें पता ही नहीं चला कि कहाँ और कब सो गए। बोलो इतनी गहरी नींद में थे कि उन्हें यह तक पता नहीं कि उनके तकिए के नीचे से मैंने गेट की चाबी कब निकाली और कब वहां से निकलकर अपने घर आ गई। गुरुजी उस रात मैं घर से निकल तो आई लेकिन मुझे यह पता था कि मुझे घर कैसे जाना है। कहते हैं जब माँ साथ में हो तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। घर से निकलते ही मुझे रात को चौकीदारी जो करते हैं वह चौकीदार मिल गया था। उसने ही मेरी मदद की क्योंकि वह जानता था सब कुछ वहाँ क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। तो उसने मेरी मदद की, उसने मुझे गाड़ी में बिठाया और मुझे घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी की। गुरुजी आप जानते हैं कि रात के समय में कोई किसी को अपना नहीं होता है और मैं उस रात अकेली थी। ना तो मेरे पास मोबाइल था ना ही कुछ और, क्योंकि नोएडा के कुलुए सराय से दिल्ली के खानपुर तक का रास्ता 2-2.5 घंटे का था। फिर भी माँ की कृपा से मैं सही सलामत अपने घर आ गई। वहां से तो मैं बस कर भाग निकली थी लेकिन मुझे क्या पता था घर आकर एक और बुरी खबर मेरा इंतजार कर रही है। आई तो पता चला कि मेरे पापा 1 हफ्ते से लापता हैं। जब पुलिस कंप्लेंट की और उन्हें ढूंढा गया तो मालूम हुआ कि उन्हें किसी ने मारकर रेलवे लाइन पर फेंक दिया था। उनकी गला घोट करके हत्या कर दी गई थी। पता नहीं किसने किया लेकिन जहां तक मेरा शक था यह काम उन्हीं लोगों का है। लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था और मेरी बहन के घर वाले इस बात को चलने नहीं दे रहे थे क्योंकि अब भी वो चाहते थे कि मैं उन्हीं लोगों के पास वापस चली जाऊं। लेकिन इस बात पर मैं डटी रही कि अब मैं वहां नहीं जाऊंगी, कि मुझे अपनी माँ और अपने छोटे भाई का ख्याल रखना है। गुरुजी क्योंकि उस समय हम बिल्कुल अकेले पड़ गए थे।
हमारा साथ देने वाला कोई नहीं था। इसलिए ना तो हम उन लोगों के खिलाफ कोई कंप्लेंट करवा पाए, ना कोई केस। बस हम जहां रह रहे थे वहां से हमने घर खाली कर दिया और कहीं और रहने लग गए। उसके बाद भी उसने एक साल तक पीछा नहीं छोड़ा था, जैसे तैसे उससे पीछा छूट गया। गुरुजी, मुझे ही पता है कि इतनी बड़ी मुसीबत में मैं कैसे निकल पाई। फिर मैंने जॉब स्टार्ट की और अपने घर की देखरेख करने लगी। गुरुजी, उसके बाद बस मेरी ज़िंदगी ऐसी ही थी, लेकिन माता ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने तब भी साथ दिया जब मैं उनके कब्जे में थी, और तब भी दे रही थी जब मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। गुरुजी, उसके बाद 2-3 साल तक मैंने छोटी मोटी नौकरी करके घर का गुजारा किया, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली, लेकिन फिर भी जैसे तैसे घर का गुजारा चल रहा था। और हमारे हालात देखकर मेरी दोनों बड़ी बहनों ने मेरी माँ से मेरी शादी की बात की। उन्होंने लड़का बताया। मेरी मम्मी ने कहा कि मैं शादी तो कर दूंगी, लेकिन इस समय मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, और ना ही मैं कुछ कर पाऊंगी। गुरुजी, जो लड़का था वह मेरी बड़ी बहन की जान पहचान में से ही था। उसकी पहले से ही एक शादी हो चुकी थी जिसकी पत्नी मर चुकी थी, और 15 साल वो बड़ा था। मैं पिछली शादी के बारे में सोचकर इस शादी को नहीं करना चाहती थी, पर घर के हालातों को देखकर मैं मजबूर थी, क्योंकि वह कभी ना कभी हमारी मदद कर दिया करता था। हर तरीके से ज़्यादा पैसे वाला तो वो नहीं था, लेकिन पढ़ा लिखा था। और गुरुजी, सबके बोलने पर मजबूरी में मैंने शादी कर ली। मेरी शादी के बाद मेरी मम्मी मेरे भाई को लेकर गांव चली गई और हम लोग दिल्ली में ही रहने लगे। गुरुजी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं माँ दुर्गा की पूजा तब भी करती थी, अब भी करती हूँ। गुरुजी, जिससे मेरी शादी हुई उसका नाम है, वह भी माँ कालिका की पूजा करते हैं और उन्हें मैं बहुत मानते हैं। गुरुजी, अभी के लिए बस इतना ही। गुरुजी, पिछले भाग में मैंने आपको लिखकर भेजा था। मैं जानती हूँ कि उसकी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। फिर भी चाहूँगी कि आप उस पत्र को भी अपने चैनल पर प्रकाशित करें। गुरुजी, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, बात बताने लायक हो बस वही बताएं और अपने हिसाब से ही इस मेरी सच्ची घटना को प्रकाशित करें। गुरुजी, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी। जो लोग भगवान में आस्था रखते हैं, इस बार को इतना मानते हैं, अक्सर उनके जीवन में ही इतना खराबी क्यों आती है? उनके जीवन में इतनी परेशानियाँ क्यों होती हैं? वही जो लोग भगवान को नहीं मानते, लोग सही करते हैं, ऐसा क्यों? गुरुजी, मैंने जीवन भर बस माँ को ही माना, माँ को ही जाना और आस्था सही भगवान में रखती हूँ, लेकिन मेरे हृदय में माँ दुर्गा ही विराजमान है। गुरुजी, अभी के लिए बस इतना ही। अगले पत्र में आपको बताऊंगी कि मुझ पर माँ की कृपा कैसे हुई। गुरुजी, मेरा यह अनुभव किसी और चैनल पर प्रकाशित नहीं होगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। आगे इन्होंने अपना नाम लिखा है, जिसको बताने के लिए इन्होंने मना किया है। तो ये था इनका अनुभव। इससे आप समझ सकते हैं कि आस्था और विश्वास आपको सभी परेशानियों से लड़ने की सामर्थ्य देता है और आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। लेकिन रही बात, इन्होंने जो प्रश्न पूछा है कि भगवान को मानने वाले लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, ऐसा नहीं है। असल में भगवान को मानने वाले लोग अच्छे होते हैं, और वो भी दूसरी दुनिया को अपने जैसा ही समझते हैं, अच्छा ही समझते हैं, पर वास्तव में दुनिया वैसी नहीं है। रही बात अच्छा या बुरा होने की, तो पूर्व जन्म के ऐसे कई कर्म होते हैं जो हमने किए होते हैं और उनको हमको झेलना आवश्यक हो जाता है, और भगवान अपनी पूजा और कृपा के माध्यम से उन कर्मों को नष्ट करवाते हैं। इसलिए अधिकतर ज़्यादा पूजा और तपस्या करने वालों की ज़िंदगी में अधिक कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन इसका मतलब होता है कि पिछले जन्मों में जो गलतियाँ की हैं, जिस तरह से हमने गलत जीवन जिया है, वह सब नष्ट हो रहा है। इसलिए कभी ऐसे घबराना नहीं चाहिए। जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, और मैं तो इतना कहूँगा कि जब यहाँ भगवान के अवतारों को भी आकर परीक्षा और परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, तो साधारण इंसान की बात ही क्या है। चाहे जैसे भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, पत्नी का त्याग, पिता का विक्षोभ, सब कुछ सहना पड़ा। भगवान कृष्ण को घर घर भागते रहना पड़ा, अपने मूल स्थान को छोड़ना पड़ा, और जिंदगी भर दूसरों के लिए युद्ध लड़ने पड़े।
तो ऐसे ही जब हम अवतारी पुरुषों का साथ ऐसा देखते हैं तो साधारण मनुष्यों की भी साथ ही क्या है। तो इसलिए ये मानते हुए कि जीवन एक परीक्षा है जिसको देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, आपको लगातार आगे बढ़ना चाहिए और अपनी आस्था और अपने गुरु पर कभी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, लगातार कर्म करते रहना चाहिए। निश्चित रूप से ईश्वर आपको मार्ग दिखाता है और आपकी जिंदगी को कामयाब भी करता है। तो ये था इनका अनुभव। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।